जिलाधिकारी शीलेंद्र कुमार सिंह ने जनपद मुरादाबाद में डेंगू की रोकथाम हेतु एक अभिनव प्रयास के तहत जनपद लखीमपुर में गंबुजिया नस्ल की मछली जो पानी में पैदा होने वाले मच्छर के लार्वा को खत्म करने में सक्षम होती है, अपने कर कमलों द्वारा अपर निर्देशक मत्स्य के स्तर से अगवानपुर में चिन्हित तालाब में इस प्रजाति की मछलियों को प्रयोग के तौर पर संरक्षित किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि मच्छरों का लार्वा खासकर टीबी से संबंधित को ये मछलियाँ खा जाती हैं, इसको समाप्त करने का यह नेचुरल तरीका है। अभी शुरुआत में 20 तालाबों में प्रयोग किया जाएगा। आगामी वर्ष में जनपद में पानी में रहने वाले सभी तालाबों में गंबुजिया मछली का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, आज जिले में लखीमपुर खीरी जनपद से गंबुजिया फिश मंगाई गई। इस गंबुजिया फिश की विशेषता ये होती है कि ये जो लार्वा होते हैं मच्छरों के लार्वा, खासकर जो डेंगू से संबंधित लार्वा होते हैं, उनको खा जाती है, जिससे कि जो जल जमाव जहाँ पर होते हैं वहाँ पर डेंगू के लार्वा पनपते रहते हैं, तो उसको समाप्त करने का एक नेचुरल तरीका होता है। इसका प्रयोग हम लोगों ने लखीमपुर में किया था, तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में इसका पालन किया गया था, तो उसको यहाँ भी मंगाया गया है। अभी फिलहाल शुरुआती दौर में लगभग 20 तालाबों में हम लोग डेंगू समाप्त करने के लिए इस गंबुजिया फिश को डलवा रहे हैं, और आगे से फिर अपने आप फिर संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, अगले साल तक हम लोग का अगले एक साल में प्रयास रहेगा कि जिले के सारे तालाबों में जिसमें 12 महीने पानी रहता है उसमें इस गंबुजिया फिश को डलवा दें। इस पर एक नेचुरल तरीका होगा कि मच्छरों के बीट को रोकें।